अभी पिछले महीने राजेंद्र नगर की एक आईएएस वाली कोचिंग में 30 बच्चे अंडरग्राउंड एक लाइब्रेरी में फंस गए थे। अचानक से पानी भरा, 27 बच्चे तो किसी तरह निकल गए, लेकिन 3 बच्चों की उसी में डेथ हो गई। इससे कुछ हफ्तों पहले दिल्ली के ही करोल बाग में एक 26 साल के आईएएस एस्पिरेंट की इसलिए डेथ हो गई थी क्योंकि नंगी तारे लटक रही थी एक ऐसे गेट पे जिसको पकड़ के वो पानी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। और इस इंसिडेंट से कुछ ही महीनों पहले कोटा के हॉस्टल में आग लग गई थी जहां पर बच्चों को कूद कूद के अपनी जान बचानी पड़ी थी। इसी साल मई के महीने में अहमदाबाद के गेमिंग पार्लर में ऐसी आग लगी जिसमें 27 लोगों की डेथ हो गई, इसमें से 9 छोटे छोटे बच्चे थे। और इसी साल मई के महीने में मुंबई में एक बिलबोर्ड गिर गया जिसके नीचे दब के 70 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। पिछले साल अगर चले तो मई के महीने में ही मुखर्जी नगर के अंदर ऐसी आग लगी थी जहां पर बच्चों को सेकेंड थर्ड फ्लोर से जंप कर करके अपनी जान बचानी पड़ी थी। फॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट में किसी की जान नहीं गई, लेकिन जाने जा सकती थी। और बेंगलुरु वाले वीडियो में हमने डिटेल में समझा था कि कैसे पूरी सिटी के अंदर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिस तरह से सिस्टमैटिकली वहां की लेक्स को बर्बाद किया गया है, उसमें कैसे पुलिस और लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक नेक्सस चलता था। अभी रिसेंटली पता चला है कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास इलीगल बिल्डिंग्स तोड़ने के पैसे तक नहीं है, जबकि कोर्ट ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। और हमेशा एक चीज नोटिस करना, ऐसे किसी भी इंसिडेंट में डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, क्योंकि वो पैसा ले लेकर इलीगल कंस्ट्रक्शन होने देते हैं। लेकिन ये लोग हमेशा वेट करते हैं कि कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाए, उसके बाद ये लोग एक नोशनल वे में थोड़ा बहुत एक्शन ले लेते हैं ताकि उस समय पब्लिक का गुस्सा शांत हो जाए। और एक बार ये गुस्सा शांत हो गया, उसके बाद कभी कोई लार्ज स्केल पर एक्शन नहीं लिया जाता। और पब्लिक के गुस्से को शांत करने के लिए जो एक्शन लिए जाते हैं वो भी बड़े कॉमिकल से लगते हैं। अभी जो राजेंद्र नगर वाला इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद पता किसे अरेस्ट किया गया? उस एसयूवी ड्राइवर को जो उस रोड से सिर्फ निकल रहा था। उसके निकलने से पानी जो रोड पर भरा हुआ था उसका प्रेशर ऐसा पड़ा कि वो बेसमेंट के आगे जो दरवाजा लगा था वो टूट के गिर गया और उस बेसमेंट में पानी भरता चला गया। अब इसमें एसयूवी ड्राइवर की क्या गलती थी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रोड के ऊपर वाटर लॉगिंग नहीं सॉल्व कर पा रहा है? इसके अलावा इन्होंने क्या करा है, 13 कोचिंग्स की जो अंडरग्राउंड बेसमेंट में चलती थी क्लासेस, उनको सील कर दिया है। लेकिन ये सीलिंग तब नहीं हुई जब पिछले साल फायर लगी थी, क्योंकि इतना पब्लिक आउटक्राई नहीं हुआ। अभी इतना ज्यादा पब्लिक गुस्से में है तो थोड़े टाइम के लिए सीलिंग कर दी गई है, लेकिन आई एम 100% श्योर कि अगले कुछ महीनों में ये सीलिंग को हटा दिया जाएगा। और दिल्ली का केस तो खासकर इंटरेस्टिंग है। डीडीए और एमसीडी वालों का ऐसा ब्लेम गेम चलता है कि दोनों लोग कह देते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और इसी वजह से खुलेआम उल्टे सीधे इल्लीगल काम दिल्ली के अंदर चलते रहते हैं। मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में एग्जैक्टली इसी वाले पॉइंट के ऊपर डिटेल में बात करी थी कि दिल्ली का केस इस मामले में इतना यूनिक क्यों है। और इस वाले केस में भी देख लो, कोचिंग के ओनर को अरेस्ट कर रहे हैं, कोचिंग के ओनर्स के ऊपर खूब सारी बातें भी चल रही सोशल मीडिया पर, जो कि लॉजिकल बात है, चलनी चाहिए। लेकिन एमसीडी, जिसके ऑफिसर्स ने घूस ले लेकर इस तरह के इलीगल काम होने दिए, उनका एक भी बंदा अरेस्ट नहीं किया गया है। एक दो लोगों को सस्पेंड कर दिया और एक जूनियर इंजीनियर की जॉब ले ली है। लेकिन जो बड़े बड़े लोग पैसा ले लेकर ये पूरा खेल होने दे रहे हैं, उन पर इतनी सी भी आंच नहीं आई है अभी तक। इनफैक्ट कोर्ट को आके कहना पड़ा कि फायर डिपार्टमेंट और एमसीडी वालों को क्लियरली सारी की सारी बिल्डिंग्स में जाके जांच करनी पड़ेगी और रिपोर्ट बना के खाना पड़ेगा कि कितनी बिल्डिंग्स यहां पर इलीगली ऑपरेट की जा रही हैं। कोटा में जब फायर लगी थी उसके बाद भी यही हुआ था। 2200 हॉस्टल्स पर नोटिस गया था कि उनके पास फायर डिपार्टमेंट से क्लियरेंस नहीं थी। लेकिन ऐसे केसेस में जनरली आप वहां पर विजिट करके देखो, आपको नंगी आंखों से दिखाई दे जाता है कि सब इलीगल काम चल रहा है। लेकिन इंसिडेंट से पहले किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के किसी भी अफसर ने एक भी एक्शन नहीं लिया था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद अगर 2200 हॉस्टल्स के पास नोटिस गया, इसका मतलब इतने बड़े लेवल पर कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहा था। और यह बात ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को पहले ना पता हो। मुंबई के अंदर बीएमसी पूरे देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉडी है। अरे इसका बजट कुछ कुछ स्टेट के बजट से भी ज्यादा बैठता है। लेकिन जब इलीगल होर्डिंग में 70 लोगों की दब के मौत हुई तो उन्होंने क्या कहा कि भैया हमारे पास इतना कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है कि हम जाकर सारी जगह चेक बिठाएं। हमने कुछ नोटिस भेजे थे इस होर्डिंग के ओनर को, लेकिन उसने रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो हम भी इसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाए। जब होर्डिंग के नीचे दब के लोग मर गए तो इस होर्डिंग के ओनर को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन यहां पर भी किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसर पर एक भी उंगली नहीं उठाई गई। नोएडा के अंदर आप देख लो, ट्विन टावर अभी गिराया गया था, टीवी पर उसका बड़ा स्पेक्टेकल बनाया गया, सबने उस पर वीडियो बना बना के दिखाया कि देखो कैसा लगता है जब बिल्डिंग गिरती है। लेकिन वो बिल्डिंग गिरी तो एक मिनट में, बनी तो एक मिनट में नहीं थी, कई साल लग गए। और उस बिल्डिंग के बनने के पीछे जितनी परमिशन मिली होंगी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर से, वो सारी करप्शन के थ्रू मिली होंगी। लेकिन उन सारे अफसर जिन्होंने इतने बड़े लेवल पर करप्शन किया, ऐसी बिल्डिंग्स को बनने दिया, क्या एक भी इंसान को अरेस्ट किया गया अभी तक? जवाब है नहीं। और जब इतने सारे इलीगल काम चलते हैं तो क्यों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग एक भी सवाल नहीं उठाते हैं? इसका रीजन यह है कि उनके मुंह में पैसा ठूस दिया जाता है और वो खुशी खुशी ये पैसे लेकर चुप बैठ जाते हैं।
ये लोग रिपोर्टों में तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन अपनी रिपोर्ट खुद नहीं पढ़ते। एनसीपीसीआर की रिपोर्ट है कि 22% स्कूल की बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 2023 की रिपोर्ट है कि 57 कंस्ट्रक्शन वहां पर डेंजरस हैं और 292 बिल्डिंग्स को रिपेयर की सख्त जरूरत है। लेकिन इस रिपोर्ट पर क्या एक्शन लिया गया है, एक भी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहां पर कोचिंग ओनर भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। जिस क्लास के अंदर बैठ के एथिक्स की ट्रेनिंग देते हैं वो क्लास ऐसी बिल्डिंग में चल रही होती है जो घूस देके इलीगली बनवाई गई है। मैं इनसे साफ साफ कहना चाहता हूं कि आप सिलेक्शन नहीं करवा सकते, कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो इंश्योर कर दो कि जो बच्चे वहां पर पढ़ने गए हैं वो जिंदा सही सलामत अपने घर लौट आए। क्या इतनी छोटी सी भी डिमांड आप पूरी नहीं कर सकते? और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो जो अकाउंटेबिलिटी और एथिक्स के लेक्चर देते हो 4-4 घंटे की वीडियो बना के, कल से वो बनाने तो कम से कम बंद ही कर दो। और क्या देश की सरकार भी एकदम अंधी हो चुकी है? दिल्ली तो पावर का सेंटर है जहां बैठ के लोग कहते हैं हम विश्वगुरु बनेंगे, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। अरे कैसे बनोगे जब एक इंडिविजुअल जिंदगी की कीमत आप तय नहीं कर पा रहे हो? एक आम आदमी की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं रह गई इस देश में। अरे बाहर के देश में एक भी डेथ हो जाती है ना तो ऊपर से नीचे तक सारे के सारे लोगों को रिजाइन करना पड़ जाता है। यहां रिजाइन करना छोड़ो, अकाउंटेबिलिटी लेने को कोई तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में सरकार का एक आदमी खड़े होकर ये नहीं कह रहा है कि चलो अभी तक जो हुआ वो हुआ, कल से हम सिस्टम के सारे छेद भर देंगे और आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होने देंगे। ऑपोजिशन के लोग भी कोई ज्यादा धुले नहीं है। आम आदमी पार्टी वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये बीजेपी की गलती है, लेकिन सच बात यह है कि एमसीडी में वो खुद पावर में है। वही एमसीडी जो अब जाके कोचिंगों को सील कर रही है, लेकिन इस इंसिडेंट से पहले इसी एमसीडी ने ये सारी इलीगल एक्टिविटीज होने दी और एक भी एक्शन नहीं लिया। और ये तो उस कोचिंग का हाल है जहां पर बच्चे जाते हैं पढ़ने कि कल के दिन हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे, लेकिन इस पढ़ने के बाद वो अपने घर नहीं लौटते, लौटते हैं एक पीजी में। उस पीजी में जहां पर रूम के अंदर एक सनलाइट भी नहीं आती, लिटरली रूम की जो साइज है वो 4x4 feet के हैं। देखिए अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं सर टीचर्स तो पूरा दोनों हाथ अपने फैला नहीं सकता। सीलन वाले अंधेरे कमरे में बैठते हैं जहाँ पर एक विंडो तक नहीं होती है। और इसका 10,500 रूपए आप इसका दी? 10.5 पे कर रही हूँ सर। 10-10, 15-15 हजार रूपए पर मंथ का किराया लेने वाले ओनर ये तक इंश्योर नहीं करते कि इनको क्लीन वाटर मिलेगा, वो भी इनको अलग से परचेज करना पड़ता है। और जिस फूड के पैसे लेते हैं वो इतना घटिया लेवल का बनता है, और उस मेस के किचन में अगर आप चले जाओ तो किसी भी साधारण आदमी को उल्टी आ जाएगी, इतनी बुरी गंदी कंडीशन वहाँ की रहती है। 3-4 खाते आप देख रहे हैं, मक्खियां देख लीजिए आप। जहां हमारे इस देश के जो भविष्य हैं, जो हमें विकसित भारत बनाएंगे, वो सब बच्चे खाना कहाँ खाते हैं जरा देख लीजिए। आप मैगी 50 में भी बेच सकते हैं, 500 रुपए में भी बेच सकते हैं। पहली बात, दाम के ऊपर कोई कानून नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। दूसरा, हमारा फूड डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? फायर सेफ्टी के नॉर्म्स देख लो, फूड सेफ्टी के नॉर्म्स देख लो, सबकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रखी है। इस मौत के पीजी से अब हम बाहर निकल रहे हैं, देखिए ऐसा एक पीजी और एग्जिट में देखिए सारा प्लाईवुड है, मीटर बिजली के तार कैसे बिछे हुए हैं। कुछ कुछ पीजी तो इतने ज्यादा अनसेफ हो चुके हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस सब भगवान का नाम लेकर इसे चलाए जा रहे हैं। ऊपर से कब जो है इसका प्लास्टर नीचे गिर जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। किराया इतना महंगा कर रखा है कि किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के 5-star होटल जैसे रूम रेंट लगते हैं, लेकिन रहने के लिए जो फैसिलिटीज हैं वो बस आपको होमलेस लोगों से थोड़ी सी बेटर मिल जाती हैं। और उसके बाद रेंट अग्रीमेंट के नाम पर इतना बड़ा स्कैम चलता है कि मैं आपको क्या बताऊं। 11 महीने का रेंट अग्रीमेंट बनता है आप किसी भी पीजी में चले जाना। उसका साफ रीजन है कि देश के अंदर रूल है कि अगर 11 महीने से एक भी दिन ज्यादा आपका अग्रीमेंट हुआ तो आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है, और वो जो अग्रीमेंट है वो कोर्ट में एडमिसिबल हो जाता है। तो ये सिर्फ 11 महीने का अग्रीमेंट बनवाते हैं और 11 महीने बाद उसे फिर से 11 महीने के लिए रिन्यू करते हैं। इसका रीजन है कि उस अग्रीमेंट को लेकर आप इन पर कोई कोर्ट केस नहीं कर सकते। इसी अग्रीमेंट में लिखते हैं कि 2 महीने का जो रेंट है वो इनको सिक्योरिटी मनी की तरह आपको पहले दिन डिपॉजिट करना पड़ेगा। कई कई लोग ये 3-6 महीने तक का ले लेते हैं, और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट कहने को तो ये होता है कि जब आप छोड़ोगे तो आपको पूरा मिल जाएगा, लेकिन ये कभी आपको इसका एक भी रुपया वापस नहीं करते। जब आप छोड़ने जाते हो तो ओनर आकर कहता है अरे आपने एक स्विच खराब कर दिया, दीवार में देखो सीलन आ गई है, ये दिक्कत हो गई, अब तो हम आपको इसका पैसा नहीं देंगे, हमें इतना सब करवाना पड़ेगा। अरे जब कोई भी इंसान कहीं पर रहेगा तो नॉर्मल वियर एंड टेयर तो होते हैं, हर 3-4 साल में आपको पुताई तो करवानी।
पड़ेगी, सीलन आएगी तो उसमें बच्चे की क्या गलती है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें टेनेंट के ऊपर डाल देते हैं और उसके सिक्योरिटी मनी का सारा पैसा हड़प जाते हैं। और इन सब चीजों को सहने के बावजूद भी ओनर के विश पर आप रहते हो, किसी दिन उसका मूड खराब हो गया, आके बोलेगा कल ही निकल जाओ, इविक्शन नोटिस दे देगा, रात में आपको रुकने नहीं देगा, और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो अग्रीमेंट आपने बनाया था वो तो कोर्ट में एडमिसेबल तक नहीं है। और एक बच्चा जो अपने घर से कई 100 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए गया है, वो कोर्ट केस के चक्कर में थोड़ी फंसेगा, वो भी हाथ जोड़ के कह देता है कि ठीक है अंकल जी, नया ढूंढ लेंगे, और अगले दिन किसी और पीजी में जाके रहने लगता है। और इन सारी चीजों के ऊपर भी कोई भी आपको बात करते हुए नहीं दिखेगा। और ये तो वो सारी इलीगल चीजें हैं जो पढ़ते समय इंसान को दिखाई देती हैं। पढ़ने के बाद आदमी क्या कोशिश करता है कि एक दिन एग्जाम क्लियर करूंगा, मेरी भी नौकरी लगेगी, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता। और तब वो देखता है कि इसका सिलेक्शन हो रहा है जिसने इलीगल सर्टिफिकेट बनवा के अपना सिलेक्शन करवा लिया था। पूजा खेडकर का केस देखो, एक ट्रेनी आईएएस थी, असिस्टेंट कलेक्टर लग गई थी पुणे के अंदर, लेकिन ये कहती है कि हमें अपने पर्सनल ऑडी गाड़ी में एक रेड बीकन लगवाना है, हमको एक पर्सनल केबिन चाहिए, अपना एक लेटर हेड चाहिए। जब ये सारी चीजें उन्होंने डिमांड में रखी तो वहां के ऑफिसर लोग थोड़े से नाराज हो गए और उसके बाद इनके ऊपर जांच खुलनी शुरू हुई। पहले तो उनको सस्पेंड किया गया, फिर इनको डिबार कर दिया अब यूपीएससी ने, और यूपीएससी कहता है कि अब ये दोबारा कोई एग्जाम भी नहीं दे सकती है। और अलग अलग लेवल पर चीजें खुल रही हैं। कोई कहता है कि इन्होंने फेक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं आती लेकिन उन्होंने सर्टिफिकेट बनवा रखा था। कोई कहता है कि इन्होंने फेक डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवाया था और उसके लिए कभी इन्होंने मेडिकल भी क्लियर नहीं करा, और इन सारी चीजों को अभी तक इन्होंने गलत प्रूफ भी नहीं कराए कहीं पर कोर्ट में जाकर। लेकिन मुझे दुख होता है कि इनके सारे इलीगल काम तब सामने आए जब इन्होंने एक वीआईपी वाली डिमांड रखनी शुरू करी, वरना पहले सब कुछ आराम से चल रहा था और किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब पूजा खेडकर का केस खुला तो बहुत सारे ऐसे मामले सामने आने लगे, और ये मामले भी यूपीएससी ने सामने नहीं लाए, अलग अलग नॉर्मल लोगों ने ही आईएएस ऑफिसर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट का डेटा निकाला है और ट्विटर अकाउंट का डेटा निकाला और दिखाया है कि देखो इस आईएएस ऑफिसर ने कहा था कि इसको फिजिकल डिसेबिलिटी है और अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में देखो नाचते हुए वीडियो बनाई है, मतलब कि इसका पक्का ये जो सर्टिफिकेट था वो फेक था। आपको तीन टाइप के फेक सर्टिफिकेट यहां पे देखेंगे। पहला कास्ट का सर्टिफिकेट है जो रिजर्वेशन लेने के लिए बनवाया जाता है, दूसरा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है। कई सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जिसमें आईएएस ऑफिसर जो सिलेक्ट हुआ है उसके पिताजी भी कोई पीसीएस की पोजीशन में थे लेकिन उसने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बनवा लिया। ये उसने कैसे करा, उसने अपने पापा से कहा कि अर्ली रिटायरमेंट ले लो, उसके बाद उसने 2 साल वेट करा, जब उनकी सैलरी आनी बंद हो गई, सारी चीजें बंद हो गई, तब उसने डाल दिया मेरे पिताजी कुछ नहीं कमाते और मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आता हूं। सरासर इलीगल काम है लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट किया गया, उसको फायदा मिला, उसकी रैंक इंप्रूव हुई और उसका सिलेक्शन हो गया। तीसरा सर्टिफिकेट बनता है फिजिकल डिसेबिलिटी का, जिसमें कई सारे लोग कहते हैं कि मुझे लोकोमोटिव डिजीज है, मेरे हाथ पैर नहीं मुड़ते, मेरी आंखें खराब हैं, लेकिन मेडिकल नहीं देने गए। कई जगह एम्स में मेडिकल देने गए और मेडिकल में भी उनका वो क्लियर हो गया सर्टिफिकेट और उसका भी उन्हें फायदा मिल गया। अब यहां पर ऐसे भी लोग निकल के आ रहे हैं जो पहले पीसीएस की पोजीशन में थे, तो उनकी अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी मेडिकल वालों से और सबसे, और जब आईएएस का फॉर्म भरते हैं तो फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट जुगाड़ लाते हैं और उससे इनका काम हो जाता है। यूपीएससी ने भी पूजा खेडकर के केस में जो पूरी प्रेस रिलीज निकाली उसकी लास्ट लाइन आप ध्यान से पढ़ना, आपके होश उड़ जाएंगे। यूपीएससी कहता है कि हम इस चीज की जांच नहीं कर सकते कि ये सर्टिफिकेट इन्होंने जो बनवाया है वो डिजीज इनको एक्चुअल में है या नहीं है, हम बस इस चीज की जांच करते हैं कि जिस अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट रिलीज कराए क्या वो अथॉरिटी सही है और क्या सर्टिफिकेट जेन्युइन है। यानी कि अगर किसी का कोई जान पहचान का बंदा एम्स में काम करता है और वो वहां से एक सर्टिफिकेट बनवा लाए, फिर यूपीएससी ये नहीं देखता कि ये सच में इसको डिसेबिलिटी है या नहीं है, वो बस सर्टिफिकेट देखता है, मोहर लगाता है और उसको बेनिफिट दे दिया जाता है। और इसी वजह से ऐसे बहुत सारे लोग जिनको जेन्युइन डिसेबिलिटी है उनके केसेस निकल के आ रहे हैं। लोग बताते हैं कि भैया इनको डिसेबिलिटी है लेकिन जान पहचान नहीं है, तो सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है और इनका सिलेक्शन रुक जा रहा है। अब एक बार जरा सोच के देखना, जिस बच्चे ने गंदे पीजी में रहकर अपने साल बिताए हैं, जिस बच्चे ने एक अनसेफ कोचिंग में जाकर रोज अपनी क्लासेस लगाई हैं, उसके बाद जब वो देखता है कि एक फेक सर्टिफिकेट वाला ऐसे स्कैम करके अपना सिलेक्शन ले जा रहा है, उसके ऊपर क्या बीतेगी? क्या वो कभी ट्रस्ट कर पाएगा एक यूपीएससी जैसी ऑर्गेनाइजेशन में? क्या उसका कभी ट्रस्ट रहेगा इस पूरे देश के सिस्टम के ऊपर? वो भी सोचेगा यार मैं भी करता हूं करप्शन, कहीं से जुगाड़ लाता हूं एक फेक सर्टिफिकेट और आगे चलकर जब जॉब लगेगी वहां पे भी करप्शन करूंगा, क्योंकि जो इंसान करप्शन से सिलेक्ट हुआ है वो आगे जाकर कोई ईमानदारी का काम तो नहीं करने लगेगा। और जब जनता इन आईएएस ऑफिसर की प्रोफाइल निकाल रही कि देखो इनके पिताजी पीसीएस थे, इन्होंने वीकर सेक्शन में अपना लगा दिया है, ये देखो डांस कर रहा है, इसने डिसेबिलिटी दिखा रखी है, तो ये जितने भी आईएएस ऑफिसर पूछते थे ना ट्विटर पे कटहल की फोटो डाल के कि आपके एरिया में इसे क्या कहते हैं, अब ये सब अपनी प्रोफाइल डीएक्टिवेट करके सोशल मीडिया से भागते जा रहे हैं। मुझे बड़ा डर लगता है भाई कि अब जो ये लोग रोज सुबह आके मोटिवेशनल ज्ञान देते थे, अब जो उसकी इतनी ज्यादा कमी होने वाली सोशल मीडिया पे, इसको कौन पूरा करेगा? पहले मुझे लगता था कि आईएएस की कोचिंग वाले शायद इसे पूरा कर दें, लेकिन उनकी भी हालत अब पतली होती जा रही है और मुझे लगता है बहुत बड़ी डिमांड बढ़ने वाली है मोटिवेशनल स्पीकर्स की, जो अब ट्विटर पे आकर इनकी कमी पूरी कर सकें।
और अगर ध्यान से सोचो तो एक आईएएस की शुरू से लेकर अंत तक की सारी जर्नी में सिर्फ ब्राइब्स, स्कैम और करप्शन ही भरा हुआ है। कितने सारी आपको आईएएस की कोचिंग दिख जाएंगी जहां पर बच्चों को बार बार मोटिवेशन की घुट्टी पिलाकर उन्हें रोका जाता है, 5-5, 6-6 साल उनके बर्बाद किए जाते हैं कि नहीं बेटा अभी और तैयारी करो, तुमको तो राजा बनना है, ताकि उनको हर साल की वो फीस दे सकें। वो फीस लेने के बाद वो उनकी जिंदगी तक इंश्योर नहीं कर पाते हैं, सिलेक्शन तो दूर की बात है। उसके बाद पीजी के अंदर एक अलग तरह का स्कैम हो जाता है। उसके बाद जब उनके सिलेक्शन की बारी आती है तो फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट वाले स्कैम चल जाते हैं। ये जितनी कोचिंग और पीजी चल रही है ये भी तो इसीलिए इलीगली चला पा रहे हैं क्योंकि कोई आईएएस ऑफिसर पीडब्ल्यूडी के अंदर बैठ के स्कैम कर रहा है और उनसे पैसा छाप रहा है। और उसके बाद जिस दिन आईएएस में किसी बच्चे का सिलेक्शन होता है उसी दिन कोचिंग वाले पहुंच जाते हैं एक मोटी सी रकम लेके कि बेटा ये पैसे ले लो और मेरी होर्डिंग में अपना नाम लगवा दो, किसी भी तरह कह दो कि मैं इस कोचिंग से जुड़ा हुआ था। इसीलिए जिसका भी सिलेक्शन होगा आप देखोगे 5-6 कोचिंग उसका नाम लिखा होगा, कहीं से उसने नोट्स लिए थे, कहीं से उसने क्लास करी थी, कहीं से उसने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी थी और कहीं से कुछ भी नहीं करा था, लेकिन बस वो कह रहा है क्योंकि उसको पैसे दे दिए गए हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक इस पूरे सिस्टम में छेद ही छेद दिखाई दे रहे हैं, करप्शन ही करप्शन है जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन मोटे मोटे ब्राइब्स के चश्मे लगाने के बाद ये सारी चीजें इग्नोर कर दी जाती हैं और इस पर एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो खुलेआम आके बोल सके। कई सारे लोग जो 30-30 मिनट के वीडियो बाकी टॉपिक्स पर बनाते हैं वो भी इस बात में चुप है क्योंकि इन्हें दिख रहा है कि जो आईएएस ऑफिसर इन्हीं के तरह के आइडियोलॉजी बच्चों में बांट रहा है उसके अगेंस्ट कैसे बोल सकते हैं, इनके साइड के लोगों की ये बदनामी कैसे कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस तरह का जो वीडियो है वो आपको सबको शेयर करना चाहिए। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई हैं और ये बात हर एक इंसान के व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह शेयर होनी चाहिए। मेरी बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है। जय हिंद, वंदे मातरम।